वालेकुम जी, मेरा नाम रिजवान अंजल तफैल डेरा चौधरी शाह मोहम्मद मैं रियासी सर। बेसिक डोज जी सी मेरी एक बैग DAP ठीक है, तो हाफ बैग जरा मेरा यूरिया का। कुछ फील्ड के मैं यूरिया पाया सी, कुछ फील्ड जी उन्हें कुछ एकड़ मैं पाया सी MOP। ठीक है, MOP तो यूरिया तकरीबन सेम ही रहा, रिजल्ट एडा जो ना फर्क है फसल वो अगे वे, इस तो अगे जिन्हें मैं MOP पाया सी, इन्हें मैं यूरिया पाया सी। तो उस तो बाद दो बैग जड़े ने, एक बैग मैं यूरिया का दिता जी थले, ठीक है, उत्ते फिर एक एक बैग का मैं छटा किया पहले पानी। तो उस तो बाद बारिश हो गई, बारिश होने तो बाद मेरी फसल खराब होना शुरू हो गई, तकरीबन टोटल पीली जी ना फसल हो गई, पानी खड़ा हो गया। इन्हें पानी खड़न तो बाद फिर असी इन्हें पाते रहे कि ना इन्होंने एक एक बैग मैं दिता हूँ अलमोनीयम सल्फेट का, लेकिन उनका असर होया सी लेकिन एडा खास नहीं। उस तो बाद हाइड्रोपोनिक नज़र च आई, इंदा स्प्रे किया, इन्हें काफ़ी फर्क पिया पहले स्प्रे ना, जिन्हें विच हाइड्रोपोनिक किलो ते अद्धा किलो यूरिया अद्धा किलो सल्फर से, उनके स्प्रे नाल काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। फिर एक हफ्ते के वक्फे के बाद मैं दोबारा एक किलो हाइड्रोपोनिक अद्धा किलो सल्फर स्प्रे किया। उस तो बाद तीसरा स्प्रे जिहड़ा मेरी गोब ते प्रिशक सी गंदम, मैं पानी लाना सी, पानी के अगे अगे मैं एक किलो दो किलो यूरिया की ना लेंदे ने पोटाश SOP जर्मन का सी इंपोर्ट। उस तो बाद बेच जड़ा ना बुरान 50 ग्राम ते नाल जड़ा सल्फर अद्धा किलो वो ऐड किया। हूँ गोब तो आ गई, कोशिश करना वा ये हूँ गोब की पोजिशन तो मैं इन उत्ते पोटाश का स्प्रे जड़ा ना एक 2 kg का दोबारा करांगा, 2 kg का पोटाश एक हूँ करांगा, एक पोटाश का स्प्रे जड़ा मैं नैक्सट करांगा। इन पोटाश के मैं सल्फर ऐड फिर करांगा तकरीबन 300 ग्राम, ताकि फंगस वगैरह जी इन रस्ट वगैरह ना आए। इंशाल्लाह जी मैं एक दो दिन के स्टार्ट कर लगा वा, जिंक 100 ग्राम, पोटाश 200 kg, हाफ के जी 300 ग्राम सल्फर, इंशाल्लाह दोबारा इन्हें दूसरा फील्ड है। इन्हें विच सेम पिछे खादा का थले वो ही चीज़ है, उत्ते स्प्रेवां का फर्क है सिर्फ, उधर मैं पोटाश का स्प्रे किया लेकिन इधर मैं पोटाश का स्प्रे अजे तक नहीं किया। यह दो स्प्रे ने हाइड्रोपोनिक यूरिया ते सल्फर, हाइड्रोपोनिक जड़ा 1 किलो पहली स्प्रे अद्धा किलो यूरिया अद्धा किलो सल्फर, दूजी स्प्रे भी अद्धा किलो सल्फर 1 किलो हाइड्रोपोनिक का स्प्रे है मेरा। अच्छी फसल है, जिस टाइम मैं पहला पानी लाया सी ते मैं नसदा सा अपनी फसल तो छड़ के नसदा सा, हकीकतन मैं आना सा ऐतकी जट्टा तू लुटिया गया, ऐतकी दिल्ली लै गई दूजी जट्टा ने, है तेरे पल्ले कख नहीं आना, तू ऐतकी 10-10 बोरियां पिछले साल हर जट्टा हर चुकेगा। लेकिन अलहमदुल्ला हाइड्रोपोनिक मिलया, उन्हें ना छेड़छाड़ की। अंजम शरीफ साहब अलहमदुल्ला माजरत सर तुम सुनते हो पर मैं तुहाडे फार्मूले छेड़छाड़ की है, तो मैंने वेख्या मैं शक पैंदा अक्सरीयत जट्टा की है, उन्हें मैं माजरत करना। तो मैं उन्होंने परसनली फोन करके माजरत की भी सी कि सर मैं तुहाडे फार्मूले छेड़ बैठा, लेकिन छेड़िया मैं बड़े कमाल के रिजल्ट मिले ने, तो हूँ मैं अपनी फील्ड पर आना तो मेरा दिल करता कि मैं इन्हें होर मेहनत करा, होर इन दया चीज़ा खुराक ज़्यादा तो ज़्यादा दे के मैं ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ा ना उपर जावा। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला पिछले साल सारे फार्मर जिन्हें भी सन उन्होंने 10-10, 12-12 बोरियां फी एकड़ एवरेज ली सी, मेरी अलहमदुल्ला 17.5 बोरियां पिछले साल भी सी कि नसदा सा अपनी फसल तो, मेरी फसल आँदी सी आ मैं दसा नहीं मैं लुटिया गया मैं बस मेरे को कख नहीं लभना, तू मैं ऐतकी दाल आ गई। लेकिन हाइड्रोपोनिक ने बस अल्लाह ताला ने थोड़ा जहा दिमाग दिता, छेड़छाड़ करनी पई, एक दो दोस्त सन उन्होंने मशवरा किया कि बर्निंग या कोई स्ट्रैस तो नहीं देगी, उन्हें कहा तू चला जट्टा जो होगा वेखी डिठी जापेगी, अगर सड़दी तो नुकसान तो अगे हों पाया फसल ठाठ नहीं पी देती, चल कोई नहीं फिर वढ़ के मैं कई गार छड़ा फरवरी वेच छड़ा जो हो। लेकिन अलहमदुल्ला हूँ जो दिल करता कि इन उत्ते आईए रोज़ाना
रोजाना लेबर लाइए, रोजाना खाद पाइए, रोजाना दवाइयाँ पाइए, रोजाना इन्हें एक्सपैरिमेंट करिए, जिनी खुराक दे सकने देिए, ठीक है। मज़ा आ रहा अलहमदुल्ला।